लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद आखिरकार सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना सियासी अखाड़ा चुन लिया है। लोकसभा सीट आजमगढ़ से इस्तीफा देकर अखिलेश ने साफ कर दिया है कि अब वो पिता मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि से ही आने वाले 5 साल तक सियासी दांव चलेंगे। अखिलेश यादव के इस फैसले ने राजनीति के सभी पंडितों को चौंका कर रख दिया है। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और अपनी जीत दर्ज की। ये वही करहल है जिसे मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि कहा जाता है। पिता की कर्मभूमि को अब अखिलेश यादव ने अपने हाथों में ले लिया है। इस विरासत को सहेजने के लिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, प्रदेश में सपा को बहुमत न मिलने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश अब अपना विधायक पद छोड़ देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सांसद पद से इस्तीफा देने वाले फैसले के जरिए सबको चौंका दिया। मंगलवार को आजमगढ़ सीट से लोकसभा की सदस्यता अखिलेश यादव ने छोड़ दी। आने वाले 5 साल तक अखिलेश यादव करहल के अखाड़े से ही उत्तर प्रदेश की सियासत करेंगे। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि भी करहल से ही तैयार करेंगे। अखिलेश के इस फैसले से जिले के सपा कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।